हाय गाइस, वेलकम टू अनुजा सुप्रिया चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा। ये दुर्गा पूजा का मौसम चल रहा है तो मैंने आप लोगों के लिए ये दुर्गा पूजा लुक क्रिएट किया है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। तो बिना देर करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोग शुरू से अंत तक देखिए कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज एंड प्राइम कर लिया है और मैंने अपने ब्राउज़ को भी फिल कर लिया है। और ये मैंने किया है मेकअप रेवोल्यूशन के पामेड से। और अब मैं अपने आईज़ के दोनों साइड वाइट टेप चिपका रही हूँ ताकि हमारा आई मेकअप जो है वो ज़्यादा शार्प दिखाई दे सके और आईज़ जो है वो ज़्यादा सुंदर दिखाई दें। अब मैंने लिया है मैबलिन का एज रिमाइंडर कंसीलर। इसे मैंने अपने आईलिड्स के ऊपर लगाया है। ताकि ये जो है आई प्राइमर की तरह काम कर सके और हमारे आई मेकअप के लिए एक बेस तैयार कर सके। और अब मैं अपनी फिंगर टिप की हेल्प से टैबिंग मोशन में इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप ये ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं पर मुझे ये फिंगर से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है इसलिए मैं फिंगर से कर रही हूँ। और अब मैं लैक्मे के 925 कॉम्पैक्ट पाउडर से इसे सेट कर रही हूँ। अब मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का एक ब्राउन शेड। इससे मैं अपनी क्रीज लाइन क्रिएट कर रही हूँ। अब मैंने लिया है मिस क्लियर का ये पैलेट और इससे मैं एक रेड आई शेडो जो है वो क्रीज लाइन के जस्ट नीचे अप्लाई करूँगी। और अब मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का एक पैलेट और उससे मैंने इस रेड आई शेडो से थोड़ा डार्कर शेड चॉइस किया है और उस शेड को मैं अपने आउटर कॉर्नर पर लगाऊंगी। अब मेकअप रेवोल्यूशन के उसी पैलेट से मैंने एक गोल्डन कलर लिया है जिसे मैं अपने आईलिड्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन दिखाई ना दे। और उसी पैलेट से मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है जिसे मैं आउटर कॉर्नर की तरफ अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं क्रायलोन के केक आईलाइनर से आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ।
और अब मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर की तरफ भी थोड़ा विंग बना रही हूँ ताकि हमारी आईज जो है वो और ज़्यादा बड़ी और खूबसूरत दिखाई दे सके। और अब हमारा ये आई मेकअप कंप्लीट हो गया तो मैं अपने दोनों साइड के टिप को निकाल दे रही हूँ। और जो रेड आई शेडो हमने ऊपर लगाया था उसे आईज के नीचे भी उसी कलर को अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैंने ये कैरोसल काजल लिया है और इस काजल को मैं अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का ऑरेंज कलर करेक्टर। इससे मैं जो अंडर आईज जो हमारा डार्क सर्किल है ये हमारा कवर हो जाता है। और उसे मैं लैक्मे 925 कॉम्पैक्ट पाउडर से उसे भी सेट कर रही हूँ। और फिर मैंने लिया है एज रिवाइंड कंसीलर जिसे मैं अपने अंडर आईज एरिया में ट्रायंगुलर शेप में लगा रही हूँ। और इसे मैंने अपने नोज़ पर भी लगाया है एज ए हाइलाइटर। अब इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। और फिर मैं इसे अपने फिंगर से भी ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जहाँ तक हमारा ब्यूटी ब्लेंडर ठीक से नहीं जा पाया है वहाँ पर ठीक से मैं फिंगर से कर लूँ। अब मैंने लिया है मैबेलिन का फिट मी फाउंडेशन जिसका शेड है 310। और अब मैं इसे अपने फिंगर टिप की हेल्प से इवेंली पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद मैं एक ब्रश के हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। और अब मैं क्रायलॉन के ट्रांसलूसेंट पाउडर से अपने अंडर आई एरिया को बेक कर रही हूँ। और अब मैंने लिया है क्रायलोन का सुप्रा कलर और इसका जो है डार्केस्ट शेड इसे मैं कंटूर की तरह यूज़ कर रही हूँ। अपने चिक को कंटूर किया मैंने और इसके बाद मैं अपने नोज़ को भी कंटूर कर रही हूँ। और इसे फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। अपने नोज़ एरिया में भी जो हमने लगाया था उसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। और फिर मैंने फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड किया। और अब कंटूर एरिया के नीचे भी ट्रांसलूसेंट पाउडर से उस एरिया को मैं हाईलाइट कर रही हूँ ताकि हमारा कंटूर जो है वो और भी शार्प दिखाई दे सके। और फिर 5 मिनट्स रुकने के बाद मैंने उस पाउडर को जो एक्स्ट्रा पाउडर थे उसे मैं हटा रही हूँ। और अब मैं मैक की रूबी वो लिपस्टिक लगा रही हूँ
जो कि बहुत ही खूबसूरत रेड है, और जो हमारा जो है ये बंगाली मेकअप में रेड कलर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, रेड बिंदी, रेड लिपस्टिक, रेड सिंदूर। और जो एक्स्ट्रा है उसे मैंने ईयरबड की हेल्प से निकाल दिया और एक लिप लाइनर की हेल्प से मैं उसे शेप दे रही हूँ। और ये हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया। मैंने ज्वेलरी पहन ली है और मैंने बिंदी भी लगा ली है और सिंदूर भी लगा लिया है, और अब मैं इयररिंग पहनने जा रही हूँ। और अब मैं ऑफलाइन जाकर पैक की आईलैशेस लगा लूँगी। फाइनल लुक, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये बंगाली मेकअप किया है। तो बंगाली मेकअप में जो है जो लेडीज़ यहाँ की हैं वो गोल्ड ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं, तो ये गोल्ड ज्वेलरी पहना है। एंड जो सुहागिने होती हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि आपको ये शाखा पोला पहनना है, तो ये भी मैंने वियर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करें। मैं आपके सभी के कमेंट का वेट करती हूँ कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा या आपको क्या चाहिए, आप क्या देखना पसंद करते हैं मेरे चैनल पर। तो आप सभी को दोबारा से दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं, भगवान आपके परिवार को सभी को सुखी और स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, मेरी यही कामना है दुर्गा माँ से। तो इन सब के साथ ही मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।